सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्त्वा यन्तिष्ठत्तशाङ्गुलम् हेलो दोस्तों, तो आज हम आते हैं यहाँ देवसूर नगरी में, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं छठ व्रत को मनाने। तो जी हाँ, आज उन्हीं का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन है। तो आइए हम उनके दरबार में अंदर की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपको सजावट से ही पता चल रहा होगा कि कितना भव्य महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। साल में एक बार महोजन महोत्सव मनाया जाता है। जैसे हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे भगवान सूर्य जी का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तो आपको डेकोरेशन से ही पता चल रहा होगा कि कितना भव्य तरीके से यहाँ सूर्य जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आइए पूरी भ्रमण करते हैं। तो भगवान सूर्य जी का जन्म 12 बजे दिन को हुआ था। तो जैसा कि आपको मंत्र सुनाई दे रहा है, तो अभी पूजा पाठ का काम चल रहा है, तो हम लोग घूमते हैं। तो दोस्तों, इनके पूरे प्रांगण को आप देखिए, व्यू देखिए, कितना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत सारी भीड़ भी है। अभी तो थोड़ा बहुत कम ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए एक राउंड पूरे करते हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य का मंदिर जो है, भगवान विश्वकर्मा जी ने खुद बनाए थे एक रात में। तो आइए देखते हैं किस तरह का मंदिर है पीछे, और पूरे भ्रमण करते हैं, पूरे घूमते हैं, और इसके पूरे डेकोरेशन को भी देखते हैं, और तो और हम प्रणाम और पूजा पाठ भी करते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी बने रहिए। सीने में छुपी है सागर तुम्हारा, मैं हूँ तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक कुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तो दोस्तों, देखते ही देखते देखिए कितना ज़्यादा यहाँ भीड़ उमड़ गई है। और भगवान सूर्य का जो गर्भ गुफा है, गर्भ गृह है, अंदर में देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग लाइन पे लाइन लगे हुए हैं, और देखते ही देखते अंदर हम भी आ गए हैं। और देखिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ये मूर्ति है। और आप भी जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वहीं से प्रणाम कीजिए, और अंदर की डेकोरेशन भी देख लीजिए आप। बहुत ही सुंदर प्यारा है, जिसका कोई जवाब नहीं। और फिर प्रणाम कर लिए, अब बाहर निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बाहर निकल गए हैं और थोड़ा और घूमते हैं। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। क्या मेरे लिए ओ, 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 तू है तो ये दिल, तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे।
बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ का रथ यात्रा बहुत ही फेमस है, भगवान सूर्य की झांकी निकलती है और आप देखिए भगवान सूर्य का घोड़े के साथ ये रथ यात्रा निकला हुआ है और इसमें काफ़ी लोग जमा हुए हैं और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और कितने श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं, कलश लेकर जा रहे हैं ये रथ यात्रा में। और यहाँ का एक खासियत ये है कि आज पूरा देव जो है नमक त्यागता है, कोई भी हो, बच्चा हो कोई भी हो, आज नमक त्यागता है उनके पद्धति जो सकते, क्योंकि भगवान सूर्य को खीर बहुत पसंद है। तो आज प्रभु को घर में खीर वगैरह बनता है और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और नमक को त्यागते हैं। तो यात्रा समाप्त हो रहा है। चांद पे भी है जमाई।